सारी चीजें अच्छी नहीं हुई हैं 9 साल के अंदर। वैसे तो वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको मैं खड़ा कर रहा हूँ कि सच कहने में हमेशा हमको दक्ष होना चाहिए। अच्छा, सच कहने में हमेशा हमको दक्ष होना चाहिए, दिल की बात कहने को घर में एक कक्ष होना चाहिए, और बेशक लाए थे हम बड़ी मजबूती से इस सरकार को, पर मन की बात कहने को मजबूत विपक्ष होना चाहिए। पर मन की बात कहने को मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूं, एनआरसी सीए ऐसे मुद्दे रहे इस देश के अंदर जिन्होंने देश में बहुत बवाल कराया। तो मैं बात करता हूं कि चेहरा, मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि चेहरा बेशक साफ हो पर आईने पर गर्द देते हैं, कि चेहरा बेशक साफ हो पर आईने पर गर्द देते हैं, सियासी माहौल को कभी गर्म कभी सर्द देते हैं। और नागरिकता संशोधन बिल लाने में जल्दबाजी हुई थी, मानिए कि बिना तैयारी के फैसले बहुत दर्द देते हैं, कि मानिए कि बिना तैयारी के फैसले बहुत दर्द देते हैं। और आपको पता होगा उन्होंने कहा था, जैसे आप भी मिलाने की बात कर रहे हैं पूरे, और उन्होंने कहा था कि हम दूसरे देश के लोगों को भी नागरिकता देंगे, दूसरे देश के लोगों को भी हम नागरिकता देंगे। तब कहना चाहता हूं मैं नवजोत जी के नित नए फैसलों से सुर्खियों में छा रहे थे, नित नए फैसलों से सुर्खियों में छा रहे थे, पता नहीं क्यों हम पर इतने सितम ढा रहे थे। और पुरानी बहू के लिए घर में कमरा नहीं था और तुम नई बहू को घर में ला रहे थे, कि पुरानी बहू को रहने के लिए घर में कमरा नहीं था और तुम नई बहू को घर में ला रहे थे। जिधर भी आपने चाहा आदमी बस चलता चला गया। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से कभी नहीं पूछा कि जिधर भी आपने चाहा आदमी बस चलता चला गया, जिस सांचे में भी ढला ये देश ढलता चला गया, आप उलझाए रहे हमें बस दूसरे ही मसलों में, पर आर्थिक ग्राफ आपके हाथ से फिसलता चला गया, पर आर्थिक ग्राफ आपके हाथ से फिसलता चला गया। कि माना कि अब देखिए एक जीएसटी मुद्दा आया, केवल दो मुद्दे ऐसे थे इस देश के अंदर, नोटबंदी और जीएसटी, जिनको कि सरकार ने बड़ा क्रांतिकारी मुद्दे बताया, लेकिन इन दो मुद्दों पर कभी वोट नहीं मांगा। तब कहता हूं जो है वो 2000 नोट की जो है वो जैकेट बनवा ली है। तब कहता हूं कि माना कि जीएसटी से तुमने अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ दिया, माना कि जीएसटी से तुमने अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ दिया, पर कुछ चीजों में तुमने जनता का दिल भी तोड़ दिया। ओए ओए। पर कुछ चीजों में तुमने जनता का दिल भी तोड़ दिया। घरेलू सिलेंडर को तो आप जीएसटी में ले आए, पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने से क्यों छोड़ दिया? कि पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने से क्यों छोड़ दिया? गायब हैं सुर सारे। देखिए अभी एक जिक्र करता हूं जो अभी ताजा घटना हुई है, कि गायब हैं सुर सारे पर तानसेन की बात करते हैं, गायब हैं सुर सारे पर तानसेन की बात करते हैं, जब देखो हर वक्त लेन देन की बात करते हैं, 1-2 हजार के नोट को भी पटरी पर ला नहीं पाए, पर जब देखो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, पर जब देखो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं, मैंने पूरे 9 बवाल लिए हैं 9 साल के, कि माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं, माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं, पर किसान आंदोलन के भी जिम्मेदार हैं, पर किसान आंदोलन के भी जिम्मेदार हैं। धरने पर उनकी शहादतों से भी नहीं पिघले, मानिए आप बड़े घरानों के पैरोकार हैं, मानिए आप बड़े घरानों के पैरोकार हैं। और अरबों रुपयों से बनी नई संसद का शोर है, नई संसद के बारे में तमाम बातें उठी, तब कहता हूं कि अरबों रुपयों से बनी नई संसद का शोर है, विपक्षी दलों का नहीं चलता उस पर कोई जोर है, और सेंगोल हाथ में ले राजा हम बन बैठे हैं, कि सेंगोल हाथ में ले राजा हम बन बैठे हैं, लोक सत्ता की राज सत्ता के हाथ में अब डोर है, कि लोक सत्ता की अब राज सत्ता के हाथ में अब डोर है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल ताजी घटना है, और यदि इस जीएनटी चैनल से मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रहेगी। कि अब तक नहीं पसीजे हम उन आंसुओं के झरने पर, अब तक नहीं पसीजे हम उन आंसुओं के झरने पर, आखिर क्यों नतमस्तक हैं हम आरोपी की ड्योरी पर, आखिर क्यों नतमस्तक हैं हम आरोपी की ड्योरी पर, पदक जीतकर
सकल विश्व में देश का नाम बढ़ाया है, न्याय मिले हर बेटी को, बैठे ना कोई धरने पर।